हेलो एवरीवन वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वेअर वी आर गोइंग टू स्टडी लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन वी लिव ऑन लैंड वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज हमारे मैक्सिमम काम जो हम करते हैं वो जमीन पे होते हैं वी लिव ऑन लैंड वी परफॉर्म आवर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑन लैंड दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस अट मोस्ट अल्टीमेट इंपॉर्टेंस इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज Transport and communication systems. All of these are possible because of land. However, land is an asset of a finite magnitude. It is limited. Land is limited. Therefore, it is important to use the available land for various purposes. With careful planning. So, what is required for us? We should use our land with careful planning. You can see in the picture land under important relief features 2021. 27% of land comes under plate use. 30% mountains and 43% is plains. So, this is the land under important relief features. India has land under a variety of relief features, as we have seen above, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of area is plain. सीन अब, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री चाहे वो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हों या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हों कहाँ पे मैक्सिमम होती हैं प्लेन एरिया में माउंटेन्स अकाउंट फॉर थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एनश्योर पैरियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल aspects while remaining 27% of the area is the plateau region it possesses rich reserves of minerals fossil fuels and forest now land utilization land resources are used for following purposes what is the use of land first of all forest the first use is of forest, land not available for cultivation, barren and wasteland, banjar or hui land put to non-agricultural uses, for example, buildings, roads, factories, etc. Other uncultivated land, excluding fallow land, fallow means. परती भूमि जिसको हम परती भूमि बोलते हैं परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड जो परमानेंट चरागाह होते हैं जहाँ जानवर घास चरने जाते हैं पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया जो नेट सोन एरिया में एन एस ए में नहीं आता है नेक्स्ट वन कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन फाइव एग्रीकल्चरल ईयर्स जो पांच या पांच से अधिक सालों से अनकल्टिवेटेड है जिसपे खेती का काम नहीं होता है कल्ट्रेबल वेस्टलैंड वो बेकार भूमि पड़ी हुई है फोर्थ वन फेलो लैंड्स एज आई टोल्ड यू परती भूमि दिस कैटेगरी करेंट फेलो करेंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर एक या एक से कम साल के लिए इसको कल्टिवेट नहीं किया गया कुछ समय के लिए उसको परती छोड़ दिया गया एक फसल उसमें नहीं बोई गई बी अदर देन करेंट फेलो उसके अलावा लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट वन टू फाइव एग्रीकल्चरल ईयर्स एक से लेके पाँच साल तक के बीच में अगर कोई ऐसी परती भूमि है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है दैट इज अदर देन करेंट फैलो लैंड नेक्स्ट वन नेट सोन एरिया कुल कृषि योग्य क्षेत्र जहाँ पे कृषि होती है खेती बाड़ी होती है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जहां पे फसलें उगाई जाती हैं नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी यानी वो जमीन कैसी है प्लेन है माउंटेनस है प्लेट्यूज हैं क्लाइमेट सॉयल टाइप्स एज वेल एज़ ह्यूमन फैक्टर्स सच एज़ पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होगी वहाँ लैंड पे लोड अधिक होगा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजिकली हम कितने एडवांस्ड हैं दैट इज़ अनदर मैटर एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एटसट्रा इसके अलावा ट्राइबल पीपल का खेती करने का तरीका अलग है सो कल्चर एंड ट्रेडिशंस आल्सो प्ले अ रोल इन डिटरमिनिंग द लैंड यूज पैटर्न यू कैन सी इन द पिक्चर द डेटा इज गिवन ऑफ 1960-61 एंड 2014-15। जनरल लैंड यूज कैटेगरीज

Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer 32.8 lakh square kilometer Land use data however is available only for 93% of the total geographical area because of the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully आसाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी पूरी अच्छे से मैपिंग नहीं की गई है मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड नॉट ओनली दैट पीओके पाकिस्तान आक्युपाइड कश्मीर एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड तो जो एरिया हमारा चाइना के अंडरटेकिंग है चाइना के कब्जे में है या पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी हम काउंट नहीं कर पाते सर्वे नहीं कर पाते दैट इज वही ओनली नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ टोटल लैंड इज अवेलेबल फॉर अस द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स इज ऑल्सो डिक्रीज अब जो परमानेंट पास्चर से चरागाह थे वह भी कम हो गए हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट मोस्ट ऑफ़ द अदर दैन द करेंट फेलो लैंड आर इधर अ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई या तो जो करेंट फैलो लैंड है पड़ती भूमि है तत्काल की जो एक साल से कम की है एक फसल वाली पड़ती है आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी या तो बहुत खराब क्वालिटी की ज़मीन है और द कास्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई इसी वजह से उसको लोग परती छोड़ देते हैं एंड दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट टू टू थ्री ईयर्स तो अक्सर उसको एक साल के लिए या छः महीने के लिए परती छोड़ दिया जाता है एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ एन एस ए नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया वी हैव ऑलरेडी सीन इन द पिक्चर अबब आफ्टर एडिंग करेंट फेलोलैंड इट कम्स अबाउट फिफ्टी फोर परसेंट अदरवाइज इट इज अप्रॉक्स फोर्टी सिक्स परसेंट द पैटर्न ऑफ नेट्स सोन एरिया वेरी इज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू वन अदर यह अलग अलग स्टेट में अलग अलग है डिफरेंट है नेट सोन एरिया इट इज़ ओवर एटी परसेंट ऑफ़ द टोटल एरिया इन पंजाब पंजाब में ये एट्टी परसेंट से अधिक है एन हरियाणा इन लेस देन टेन परसेंट इन अरुणाचल प्रदेश जितने हिली रीज़न्स हैं मिजोरम नॉर्थ ईस्ट एरिया मणिपुर एन अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ दस परसेंट से भी कम है नेट सोन एरिया बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशंस फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायड थर्टी थ्री परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी टू में कहा गया कि कम से कम थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए बट इन द कंट्री इट इज फार लोअर बहुत ही कम है इट वॉज कंसिडर्ड इसशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस

एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड्स सेटलमेंट्स जहां लोग रहते हैं रोड्स लोगों के घर बार जहां होते हैं रोड्स रेलवेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा दीज आर पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन अब हम लैंड को लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं दैट इज़ वाई इट इज़ रिजल्टिंग इन लैंड डिग्रेडेशन मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है दिस इन टर्न हैज सीरियस रीपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट तो ये वापस हमको जो रिजल्ट मिल रहा है रिप्रकशन चोट पड़ रही है ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट तो हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँच रहा है और सोसाइटी पे भी लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स वट कैन वी डू वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास जनरेशंस एंड वील हैव टू डू सो विद द फ्यूचर टू वही जमीन रहेगी जमीन तो बदलनी नहीं है हमारे एनसेस्टर्स के पास भी वही जमीन थी वही अर्थ थी हमारे पास भी वही है और हमारे आने वाले जनरेशन के पास भी वही अर्थ होगी नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ़ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड सेल्टर एंड क्लॉदिंग आर ऑप्टेंड फ्रॉम लैंड मैक्सिमम चीज़ें नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ़ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड सेल्टर क्लोदिंग घर कहाँ पे है लैंड पे कपड़े मैक्सिमम कपड़े जो हमारे बनते हैं कॉटन कॉटन कहाँ उगाई जाती है लैंड में फूड

Not only that, it has also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land, whether flood other calamities which cause Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly, importantly, in land degradation. माइनिंग साइट्स आर अबंड छोड़ दिया जाता है उनको आफ्टर एक्सकवेशन वहाँ से माइनिंग करने के बाद सामान जो भी वहाँ से ओर या कोल जो भी निकालना हमको निकालने के बाद दैट इज लेफ्ट वर्क इज कम्प्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डेनिंग इन स्टेट्स लाइक झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन ऐसे स्टेट्स में जैसे कि झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफॉरिस्टेशन की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है ड्यू टू माइनिंग दैट हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन वेअर इन गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश एंड Maharashtra in the states of Punjab Haryana western uttar pradesh over irrigation is responsible for land degradation due to water logging leading to increase in salinity salty land and alkalinity having ph value more than 7 the mineral processing like Grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry. You can see in the picture ceramic vase, flower pot generate huge quantity of dust. As in the industry, there is a dust of dust that comes into the atmosphere. It retards, it slows down the process of infiltration. टल्स डाउन ऑन द लैंड और जैसे ये जमीन पर आ जाता है तो इससे छन करके पानी नीचे नहीं जाता है इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट है बीकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इंडस्ट्रीज से निकलने वाला अपसिस्ट Have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. There are many ways to solve the problems of land degradation. What can we do? Most important afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelter beds of plants, control on overgrazing. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड यून बाई ग्रोइंग थर्नी बुसेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज तो एरिड एरियाज़ में जहाँ सूखा क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान वहाँ पे थॉर्नी बुसेस लगाई जाए ताकि सैंड यूंस ज़्यादा से ज़्यादा न बने प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स नॉट ओनली दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू मैनेज द वेस्ट लैंड्स कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं एंड वेस्टेस आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड वाटर डिग्रेडेशन तो इसको पहले अच्छे से ट्रीट किया जाए इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज़ वेयर इन इंडस्ट्रियल एरियाज अदरवाइज इन सब अर्बन एरियाज दैट इज़ In cities.